हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बजे सुबह के 8:30 और अभी मुझे बनानी है चाय भाखरी। लेकिन अभी बापूजी गए हैं मंदिर दर्शन के लिए, तो दूध पहले मंगवाना था, तो अभी बापूजी को मैंने कॉल किया, वो आ रहे, फिर वो दूध लाएंगे, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। और आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट हो गई है। और हाँ, अभी अश्विन जागे नहीं है, जब वो जागते हैं तो उसके बाद कल जो मैंने मुठिया बनाया था वो लड्डू के लिए, तो उसको पीस के मैंने रख दिया है, लेकिन उसकी चाशनी लेना अभी बाकी है, रात को नहीं ली थी, तो अभी वो चाशनी लेंगे, लड्डू बनाएंगे, वो सब काम आज होगा। और भी कुछ जो सूरत भेजना है वो सब आज लेने के लिए हम जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी चाय बन गई है तो हम बापूजी को चाय दे देते हैं। अभी हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करके अश्विन यहाँ पर बैठ गए हैं, तो हम अश्विन से अभी बातें करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। क्या है आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम तो रूटीन ही है। कल का कैंसिल हुआ, उसका क्या हुआ? लड्डू बनाने का ट्राई मानना है, सीख रहे हैं कैसा बनेगा, बाद में देखेंगे। आधा लड्डू मैंने बनाया, आधा अश्विन बना रहे अभी, और फिर कैसे बनते हैं, हाँ वो दिखाएंगे। और खाना पड़ेगा कि लड्डू खाना पड़ेगा। और कल जो सुपेड़ी जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, उसका क्या हुआ? उसका तो अभी कुछ बातचीत नहीं हुआ, देखते हैं अभी आगे। ओके, तो आज तो अभी तो लड्डू बनाने का प्लान है ना? ठीक है, चलो। बाला भाई एज यूजुअल नाश्ता करके बैठ गए है। ये चाशनी बनाने का प्रोसेस हो गया है चालू, तो हमने 1.5 किलो के लड्डू बनाए, उसके हिसाब से सामने सवा किलो 1.5 किलो ही खांड डाला है। 1.5 किलो ही खांड डाला है, ज्यादा होगा कम भी होगा। हाँ, तो हमने सामने मतलब जितना आटा हो उसके हिसाब से ही आपको ये शुगर डालनी है। अगर कम मीठा खाते हैं तो थोड़ी कम डालनी है। तो अभी इसकी हम चाशनी बनाएंगे। ये मैंने मुठिया कल रात को पीस लिया था, उसके ऊपर अभी अश्विन ने ये है जायफल, वो भी ग्रेट कर दिया है, तो ये सब अभी जाएगा, ये चाशनी जब बन जाएगी तब उसमें। तो अभी तो ये देख रहे चाशनी। अभी तो बहुत ज्यादा हमें थोड़ी लेनी है, ऐसे एक तार पूरा हो जाए ना उसके बाद थोड़ी देर रखनी है, क्योंकि अभी गर्मी है तो चाशनी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है। ये इसमें डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर, तो इससे जो लाडवा का कलर आएगा वो ऑरेंज आएगा। ये चाशनी में ही अभी डाल दिया है। अभी चाशनी आ गई है और ये भूका इसमें डाल दिया था, अभी ले जा रहे हैं नीचे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारे लड्डू लड्डू बनके अभी रेडी है, तो बस इसके बाद अभी लड्डू तो हो गए, लेकिन अभी लंच की तैयारी मैं करूंगी। तो अभी हम लंच में क्या बनाते हैं वो सोचते हैं। तो आज अभी दोपहर के 1 बजे हम सब खाना खाने बैठ गए हैं, और दोपहर के मेन्यू में आज है आलू की सब्जी, रोटली और रोटला। और ये देखिए, करो ऐसे कब्स। इसको ना टक्का लड्डू बोलते हैं, लाहा लड्डू बोलते हैं, टक्का लड्डू बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं सब कि किसी के सर पे मारो ना तो भी सामने आएगा ऐसा लड्डू ये बनता है। ये सब ये खाते हैं। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर हमारे लड्डू भी है और सब्जी रोटी रोटला, तो अभी खाना खा लेते हैं हम। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मेरे मामा जी के घर पे, नहीं मेरे मामा जी के गांव में। यहाँ पर सूरज भेजने के लिए चोरापड़ी हमें ले जानी है, इसलिए आए थे। फिर यहाँ से हम मामा जी के गांव में भी घर पे भी जाएंगे, तो ऐसा है सब कुछ। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि चोरापड़ी कहाँ से हमने ली है और यहाँ की फेमस है सबसे ज्यादा, इसीलिए यहाँ से हम लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ से फिर जाएंगे मामा जी के घर पे।
अभी हम गए छोरा खड़ी लेने के लिए, लेकिन ऊंचा हो गया। तो वो भाई को कल मेरे मामा जी के लड़के ने फोन किया था कि हमें इतनी छोरा पड़ी चाहिए, लेकिन वो भूल गए होंगे पता नहीं। तो वहाँ हम गए थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाई थी। अभी हम आए थे मेरे मामा जी के लड़के की दुकान पे, तो इसकी है ये नाम कुछ है आशीष, और ये दोनों भाई हैं संगो और मंगू। हाँ, इसको ये जब छोटे थे ना तो इसको चंगू मंगू बोलते थे, और ये दोनों ट्विन्स थे, तो आशीष और अक्षय, तो दोनों में पता नहीं चलता कौन आशीष है कौन अक्षय है। तो अभी सब ऐसा है, तो अभी वो जब चोरा पट्टी लेने गए थे ना, तो उन्होंने बोला कि आधा घंटा लगेगा अभी आपको चाहिए, तो फिर हम यही दुकान पे आ गए थे, और मामा के घर पे भी गए थे लेकिन वहाँ से चोरा पट्टी लेने गए थे, और अभी देर लग रही थी बनाने में, तो सोचा कि यही दुकान पे चलकर बैठते हैं तो अभी आधे घंटे में बन जाएगी। तो अब हम वापस जाएंगे चोरा पट्टी लेने के लिए, अब फोन किया था बोले हाँ बन गई, तो अब हम चोरा पट्टी लेके जाते हैं चुनागढ़। ये हम जो रफड़ी लेने आ गए हैं, तो ये हमारी चटनी अभी पैक हो गई है और इसमें चोरा फड़ी है, और भी पैकिंग में और भी पैकिंग अभी बन रहा है, तो ये देखिए पैकिंग पे पैकिंग आ रहा है अभी। तो यहाँ पर ये जो चोरा फड़ी बनाते हैं वो घर पे ही बनाते हैं, पहले यहाँ गांव में दुकान थी लेकिन अभी घर पे ही बनाते हैं और ऑर्डर लेके बनाते हैं। अगर आपको आज चाहिए तो अगले दिन ऑर्डर लिखवाना पड़ता है, तो दूसरे दिन आपको मिलती है, इसके हिसाब से ये चोरा फड़ी बनाते हैं। तो ये शाहपुर की ये गांव की ये बहुत ही फेमस है, जूनागढ़ में कहीं भी आप पूछो कि शाहपुर की चोरा फड़ी सबको पता ही रहता है। तो हमने भी सोचा कि सूरत सब बच्चों के लिए भेजे, तो हम भी आज यहाँ आए हैं चोरा फड़ी लेने के लिए। तो अभी हम पार्सल तो हो गया है, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुंच गए हैं 7:45 घर पे, और आकर हमने चोरा फली खाई है, कुछ मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि जाने की इतनी जल्दी थी, 8:00 की बस है, तो फटाफट चोरा फली खा के अश्विन गए हैं बाबूजी को छोड़ने के लिए, फिर वहां से आने के बाद दूसरा फेरा करेंगे तो बा को यहां से ले जाएंगे। तो ऐसा है सब कुछ माहौल। तो आज तो बहुत ही गए गए में काम हुआ क्योंकि चोरा फली बनाने में लेट हो गया था, तो इसकी वजह से पूरा जो काम है वो स्पीड में करना पड़ा अभी। तो बस यही है, और बच्चों के लिए हमने लड्डू भेजे, चोरा फली भेजी, और मेले में से जो मैंने छोटे छोटे मिट्टी के वो लिए थे ना वो भेजे हैं, और उसकी घड़ी भी भेजी है हेल्थ के लिए, तो ऐसा सब कुछ भेजा। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय।